पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए एक और टोल प्लाजा लोगों के लिए फ्री कर दिया है। ये टोल प्लाजा कौन सा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को बड़ी राहत देते हुए मोगा कोटकपुरा रोड पर सिंघावाला टोल प्लाजा को जनता के लिए फ्री कर दिया है। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि इस टोल के बंद होने से पंजाब की जनता को करीब 4 से 5 लाख रुपए रोजाना का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस टोल प्लाजा को पिछली सरकार के समय बंद कर देना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार ने इसको 1 साल का और समय दिया। अब ये लोग 500 दिन का और समय मांग रहे थे, हमने इनको 60 दिन का समय दिया था जो मंगलवार रात 12 बजे खत्म हो गया था। 12 बजे ही ये टोल बंद कर दिया गया था। इस सड़क के रास्ते लोग राजस्थान और हरियाणा को जाते हैं, उनको भारी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर काम कर रहे जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उनको पंजाब सरकार नौकरी देगी, तो वहीं जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर भी कुछ बनाया जाएगा। आपको बता दें कि तकरीबन 5 महीने पहले 15 फरवरी को सीएम मान ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के 3 टोल प्लाजा बंद करवाए थे, जिसमें नवा शहर का मजारी, होशियारपुर का नंगल शहीदा और मानगढ़ टोल प्लाजा शामिल है। सीएम मान ने कहा था कि ये तीनों टोल बंद होने से लोगों के रोजमर्रा के 10.52 लाख रुपए बचेंगे। उस दौरान सीएम मान ने बताया कि ये तीनों टोल 21 सितंबर 2013 तक बंद हो जाने चाहिए थे, परंतु अकाली सरकार ने बंद नहीं किए। इसे 21 सितंबर 2018 को फिर से बंद किए जा सकते थे, परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब निवासियों के हितों के उलट जाते हुए कंपनी को टोल चालू रखने की छूट दी। तो उस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।